भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा, समुद्री डकैती और तस्करी को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। एक फरवरी 1978 से भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय तटरक्षक बल मुख्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन युवा छात्रों को इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस बल का मुख्य उद्देश्य समुद्री सीमा की सुरक्षा करना, समुद्री डकैती और तस्करी को रोकने के साथ ही समुद्री आपदाओं के दौरान सहायता करना है। साल 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी शुरुआत की, लेकिन वर्तमान में यह बल लगभग 158 जहाज और 70 विमानों के साथ एक अजेय सेना बल बन चुका है। साल 2025 तक इंडियन कोस्ट गार्ड का लक्ष्य 200 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ 80 विमानों को प्राप्त करना है। दुनिया में चौथी सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदर्शन समाचार, जयपुर।